प्रोग्रेसिव प्रिपरेशन ऑफ मसल्स एंड स्पेसिफिक जॉइंट्स रिलेटेड टू जिमनास्टिक्स मूवमेंट विल हेल्प अस टू अवॉइड इंजरीज। अगर हम प्रोग्रेसिवली ये सीख जाते हैं कि मसल्स और जॉइंट्स को कैसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना है जिससे हम जिमनास्टिक स्किल्स को इजीली परफॉर्म कर सके इंजरी फ्री, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कोचिंग करियर के अंदर। क्यों? क्योंकि मोस्टली जिमनास्ट का बर्नआउट इंजरी की वजह से होता है। जितने भी आपने नोटिस किया होगा इंडियन जिमनास्टिक्स या फिर वर्ल्ड वाइड जिमनास्टिक्स, वो कितना भी अच्छा अचीव कर ले बट एक टाइम ऐसा आता है कि उनको शोल्डर की इंजरी प्रॉब्लम करने लगी या फिर नी का उन्होंने प्रॉपर रिहैब नहीं किया। उन्होंने सर्जरी तो करा ली लेकिन अब रिहैब प्रोसीजर नहीं पता, शोल्डर रिहैब नहीं पता, हिप रिहैब नहीं पता, नी रिहैब नहीं पता, रिस्ट रिहैब नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने एक जो बेसिक आइडिया होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, वो हमने अपने ट्रेनिंग पैटर्न में या फिर अपनी एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं किया। तो अगर अपन एज अ कोच किसी को जिमनास्टिक्स स्किल तो सिखा पा रहे लेकिन जब उसको कोई इंजरी हो जाती है तब अपन हेल्पलेस हो जाते हैं, तो उसी हेल्पलेसनेस को हमें हमारी एजुकेशन से हटाना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो हाई एलिट लेवल को ट्रीट करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब हमारे जिमनास्ट कोई भी मेजर और माइनर इंजरीज के लिए उन डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं कर पाते, तो उसी का सल्यूशन हमें बनना है। बिकॉज वी आर कोचिंग जिमनास्टिक्स, हम जिमनास्टिक्स सिखा रहे हैं, तो उसके प्रॉपर एस्पेक्ट्स की नॉलेज रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के डे 5 वीडियो में मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि कैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बेसिक नॉलेज से हम एक मसल, स्पेसिफिक मसल का एग्जाम्पल लेंगे, करके हम समझेंगे कि कैसे हम उसको टारगेट करके अपना पूरा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारा छिपा है कि हम कैसे इंजरी से बचते हैं। नंबर 2, हम कैसे स्ट्रेंथ गेन करते हैं। नंबर 3, हम कैसे स्किल्स को अप्रोच करते हैं, कौन सी स्किल सिलेक्ट करेंगे जिससे कि वो जल्दी हो जाए। नंबर 4, जब कभी मसल्स टाइट हो जाती है तो आपने देखा होगा मोस्टली एडवांस एथलीट्स डीप टिश्यू रिलीज करवाते हैं, तो वो क्या है डीप टिश्यू रिलीज, तो उसको हम समझेंगे। तो डीप टिश्यू रिलीज जब आपको आइडिया लग जाएगा तो आप भी इंजरी प्रिवेंट कर पाएंगे, इन द सेंस प्रीहैब में एक्सपर्ट हो पाएंगे। प्रीहैबिलिटेशन मतलब रिहैबिलिटेशन से पहले किए जाने वाला कोई भी प्रोग्राम, इंजरी से पहले जो प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस की जाती है उसको प्रीहैबिलिटेशन बोलते हैं। तो ये थोड़े से बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आई नो टॉपिक बहुत वाइड है बट मैं कोशिश करूंगा इसको समराइज करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि हमने इसमें भी एक सेपरेट प्रोग्राम डेवलप किया है जिसका नाम है जिमनास्टिक्स मूवमेंट एंड रिलेटेड मसल्स डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन से जिमनास्टिक्स मूवमेंट से कौन सी मसल्स को टारगेट करना है, उसको कैसे प्रोग्रेसिवली ट्रेन करना है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डे 5 का वीडियो विद जिमनास्टिक्स। एनाटॉमी का मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, कि भाई मसल्स कितनी बड़ी है, छोटी है, कहां से जुड़ी है, कहां खत्म हुई है। तो जब डॉक्टर्स ने अपनी बॉडी को डाइसेक्ट किया मतलब काट करके देखा, तो जो विजिबल अपीयरेंस थी उसको हम एनाटॉमी समझ सकते हैं कि वो कैसी है दिखने में, कहां से आई है, कहां को जा रही है, बस ये बेसिक आइडिया। दूसरा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? भाई वो मसल तो है, अब हमने देख ली को ऐसे ऐसे रखी, अब उसका मैकेनिज्म क्या है, वो मसल करती क्या है, तो वो होगी उसकी फिजियोलॉजी। तो हमारा जो एग्जाम्पल मसल है, हमने एग्जाम्पल लिया है तो वो काफ मसल लिया। अब काफ के अंदर जो हमारे सुपरफिशियल मसल्स होते हैं वो 3 सुपरफिशियल मसल्स होते हैं। सबसे पहले आती है गैस्ट्रोनीमियस मसल, फिर उसके बाद आती है सोलियस मसल और फिर आती है प्लांटेरियस मसल। तो ये 3 सुपरफिशियल मसल्स होती है जो अपनी काफ को डिजाइन देती है। तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा वो गैस्ट्रोनीमियस मसल रहेगा, उसकी हम थोड़ी सी एनाटॉमी समझेंगे और फिर उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसको समझेंगे कि मसल्स की नॉलेज कैसे ली जाती है, उसका मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा।